मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का एक विवादित वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे फर्जी मतदान करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कहा जा रहा है कि जो है उसका वोट डलवाना है, जो नहीं है उसका भी वोट डलवाना है। सरकार में मंत्री और मेहगांव से भाजपा प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि अपनी पोलिंग में पूरे वोट डलने चाहिए, जो है उसके वोट डलवाओ और जो नहीं है उसके भी वोट डलवाओ। उन्होंने कहा जितने ज्यादा वोट पड़ेंगे जीत उतनी ही आसान हो जाएगी। दखल न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल आप भी सुनिए वीडियो में क्या कहा भदौरिया ने। जाएगा तब परिणाम हासिल होगा, इसलिए कल के बाद एक एक वोट पे फोकस कर दो, जो है उसको डालो, जो नहीं है उसको भी डालो, ठीक है, कोई रहना नहीं चाहिए। जो अपने गांव है वहां जितना ज्यादा मतदान होगा वो जीत हार के अंतर को कम ज्यादा करता है, जितना वोट ज्यादा गिरेगा उससे अंतर बढ़ेगा, और अंतर बढ़ेगा तो बेईमानी नहीं होगी, समझ गए मेरी बात। दूसरी बात, अपन 1000 वोट से चुनाव हार गए, 1000 वोट का कोई मतलब नहीं होता, तो गुहार अखर गई आपको भी और हमको भी। 1000 वोट से क्यों हारे? क्योंकि अंतर कम हो गया। अंतर क्यों कम हो गया? क्योंकि वोट कम गिरे। जब ये तय कर लो कि हमें अपने घर के डालना है, चाहे यहाँ हो चाहे नहीं हो, मतलब एक भी वोट रहना नहीं चाहिए। अगर 1300 की है तो 1250 डाल दो। वो कहते थे चार धाम की यात्रा किए बिना कहीं नहीं जाने वाला मैं। सरकार भी तब तीर्थ दर्शन योजना चला रही थी। बहुत ही कम सरकारें होती हैं जो भावनाओं को भी समझती हैं। जाने की पूरी तैयारी भी थी हमारी, और फिर सरकार बदल गई और तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई। हम बुजुर्गों की आस्था को कुचला, जेब पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। गरीब का पेट कभी भूखा ना रहे, ये सोचा भाजपा सरकार ने। गरीब की भूख किसी कार्ड की मोहताज ना रहे, ये सोचा भाजपा सरकार ने। गरीब को पैसे की कमी ना सताए, ये सोचा भाजपा सरकार ने। हर मुश्किल में भरोसा है, एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।